आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव की बढ़ती हुई नजदीकियां प्रदेश की सियासत में बड़ा इशारा कर रही है। सियासी गलियारों में इस नए समीकरण की चर्चा है और चर्चा इस तौर पर है कि क्या दिग्विजय सिंह और अरुण यादव की बढ़ती हुई नजदीकियां या एकजुटता कमलनाथ को घेरने के लिए है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको बताऊंगा। दरअसल खरगोन में पहुंचे थे दिग्विजय सिंह, कई कार्यक्रम में उनको जाना था। अरुण यादव से इस पूरे खरगोन प्रवास के दौरान उनकी नजदीकियां नजर आई। अरुण यादव के बोरावा स्थित घर पर भी वो गए, जहां उनके भाई पूर्व मंत्री सचिन यादव भी मौजूद थे। और अरुण यादव और दिग्विजय सिंह इसके बाद एक और कार्यक्रम में गए कांग्रेस नेता के यहाँ शोक व्यक्त करने, यानी पूरे खरगोन प्रवास के दौरान एक साथ ही नजर आए अरुण यादव और दिग्विजय सिंह। अब बात आती है कमलनाथ को घेरने की, वो इसलिए कि दोनों ही नेता पीसीसी में हुई अहम बैठक, जो हाल में कमलनाथ ने बैठक ली थी, उसमें नहीं पहुंचे थे और सवाल उठ गए थे कि दोनों ही नेता इस महत्वपूर्ण बैठक में क्यों नहीं पहुंचे। दिग्विजय सिंह और अरुण यादव की बढ़ती हुई इन नजदीकियों के बाद अब ये सवाल जब पूछा गया दिग्विजय सिंह से खरगोन प्रवास के दौरान कि आप पहुंचे नहीं, अरुण यादव भी नहीं पहुंचे बैठक में, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए माफी मांग ली है। सुनिए। मैंने माफी मांग ली थी क्योंकि मुझे यहाँ आना था और वो वहाँ बुरहानपुर जाना था, इसलिए मैंने माफी मांग ली थी। हम दोनों वहाँ जा रहे हैं ना, इसलिए हम रुक गए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैंने माफी मांग ली थी, दरअसल मुझे खरगोन आना था और अरुण यादव भी चूंकि यहीं पे थे और एक कार्यक्रम में जाना था, इसलिए हम दोनों नहीं जा पाए। नहीं जा पाए यहाँ तक बात नहीं होती है, बात होती है कि किन किन कार्यक्रमों में नहीं जा पाए दिग्विजय सिंह, वो दूरी क्यों नजर आ रही है। दरअसल घर घर चलो अभियान की शुरुआत कमलनाथ ने बड़े स्तर पर की थी, उस कार्यक्रम में भी दिग्विजय सिंह को भोपाल का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन दिग्विजय सिंह घर घर चलो अभियान के जहां भोपाल के प्रभारी थे उस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए नहीं पहुंचे थे। उसके बाद सवाल उठे, पीसीसी की अहम बैठक हुई, उसमें भी ना दिग्विजय सिंह पहुंचे ना अरुण यादव पहुंचे। और कहा यह जा रहा है कि जो नया समीकरण ये बन रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर, ये एक बड़ा इशारा है सियासत को लेकर। और इसी बात को लेकर चर्चा है कि कमलनाथ को घेरने के लिए कहीं दोनों नेता इतने नजदीक आ रहे हैं, एकजुटता जो है ये नजर आ रही है। क्योंकि आपको याद होगा कमलनाथ और अरुण यादव के बीच में किस तरीके का सामंजस्य है, वो खंडवा लोकसभा उपचुनाव से पहले नजर आ गया था, जब कमलनाथ से पूछा भी गया था कि अरुण यादव लड़ रहे हैं क्या, तो उन्होंने कहा था नहीं अभी कोई फाइनल नहीं है नाम। यानी पहले भी जो स्थिति रही है वो इस तरह इशारा करती रही, लेकिन दिग्विजय सिंह और अरुण यादव की नजदीकी अब ये बात इस तरफ इशारा करती हुई और नजर आ रही है। खरगोन से आप तक ये खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता उमेश श्रीवलिया, आप देख रहे हैं एमपी तक।